हेलो मेकअप लवर्स, आई एम सोनाली। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक टाइटल से समझ में आ गया होगा, बहुत ही डिफरेंट है। मैं ये वीडियो, आई थिंक ऐसा वीडियो मैंने एक दो बार ही और बना चुका है, बट ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है कि मैं कभी पूरा कवर नहीं कर सकती, कभी मैं पूरा नहीं एक्सप्लेन कर सकती, बट मुझे लगता है ये टॉपिक मुझे बीच बीच में बनाते रहना चाहिए, बिकॉज इससे कई लोगों को मोटिवेशन भी मिलता है। जैसे कि मैं ये टॉपिक के लिए मोटिवेट हुई फ्रॉम शाय स्टाइल। अभी रिसेंटली उन्होंने 10 मिलियन हिट किया और उसका उन्होंने गोल्डन प्ले बटन रिसीव किया, वो वीडियो बनाया और उन्होंने अपना 2 चैप्टर शेयर किया, चैप्टर 1 में सिल्वर प्ले बटन, चैप्टर 2 में गोल्डन प्ले बटन। तो मेरा तो अभी चैप्टर 1 है, मेरे पास है सिल्वर प्ले बटन, एंड बिकॉज ऑफ यू गाइज आई गॉट दिस, एंड आई लव यू गाइज सो मच। मैं बता नहीं सकती हूँ, सबके मुंह से सुनते होंगे, बट ऑब्वियसली जो मुझे देखते हैं, जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे लाइक करते हैं, उनके लिए ये कनेक्ट होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। और आज की वीडियो में आई होप मैं थोड़ी बड़ी हो जाएगी ये वीडियो, क्योंकि मैं आज पूरा का पूरा जो चिट्ठा है मेरे यूट्यूब का, कैसे मैं आई, किस पॉइंट पर मुझे लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए और किस पॉइंट पर मुझे ऐसा लगा कि करूँगी बट अपनी खुशी के लिए साइडवेज में, कि हाँ डेली मेकअप करने को मिल रहा है, या मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे, टिया के टाइम पे कैसे मैनेज किया यूट्यूब को, ये सारी बातें। जब मैं कुछ भी नहीं अर्न करती थी, 3 साल तक मेरी यूट्यूब पे अर्निंग ही नहीं हुई है, 3 साल बाद मेरी यूट्यूब पे पैसे आए हैं, तो क्या स्टोरी है, किसने मेरी हेल्प की और कैसे मैं अभी तक आपके सामने वीडियोज़ बनाती हूँ, क्या सारी चीज़ें हम बात करेंगे इस वीडियो के लिए। अगेन मैं कहना चाहती हूँ, मैं इंस्पायर्ड हुई हूँ फ्रॉम शाय स्टाइल और उनकी वीडियो मैंने दोनों की दोनों पूरी देखी है और मुझे बहुत खुशी हुई उस लड़की के लिए, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है यार। मेहनत हम सब करते हैं, लेकिन हम सबका एक वक्त होता है फल मिलने का। जैसे हम एक पेड़ को पानी देते हैं, उसे सींचते हैं, पौधे को सींचते हैं, पानी देते हैं, धूप लगता है, सब कुछ होता है, तो आप उसे पानी देते हो तो उसे ठंडक मिलती है, लेकिन उसे धूप भी सहना पड़ेगा तभी वो बड़ा होगा। तो उसके बाद एक दिन आता है, उसी दिन वो बड़ा होता है, उसके फल लगते हैं, उसके फूल लगते हैं। तो उस तरह से हमारी हर एक फील्ड में एक जर्नी होती है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम प्लानिंग करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, फिर धीरे धीरे स्मूथली कहीं जाता है, फिर कहीं पे बहुत बड़ा टर्न आ जाता है, कहीं बहुत रुकावटें आती हैं। तो ये सब हमारे पार्ट होती हैं जर्नी की, और हम इसे रिकॉल करते हैं कि यस हमने उसको फेस किया है, तो ये कुछ नहीं हमारे सामने लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि हम सबको अपने उस फेस को याद रखना चाहिए। और मेरे हस्बैंड भी आज की डेट में, अगर गोवा में वो रियल स्टेट के बिजनेस चलाते हैं, उनका खुद का बिजनेस है रियल स्टेट का, प्रॉपर्टी का, उनकी अपनी खुद एक स्ट्रगल है, उनकी अपनी खुद एक मैं उनके साथ रही हूँ, मैं बहुत लकी हूँ जो मैं उनके उस पीरियड में उनके साथ रही हूँ। उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं हुआ करता था, खैर वो हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, वो उनकी लाइफ है। हम शायद किसी दिन उनके लाइफ का भी वीडियो बनाए कि उनके स्ट्रगल क्या है, सो दैट हमारे से इंस्पायर हो लोग। बट ये है कि आज अगर मेरे पास कुछ भी है ना, तो एक समय मेरे पास कुछ भी नहीं था, बट हमने उस वक्त एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और हमने एक दूसरे को समझा और हमने एक दूसरे की खुशी भी देखी और सेक्रीफाइस तो हंसते हंसते किया है हमने। आज तब हमारे पास सब कुछ है। आज मैं ये लिपस्टिक लगाई हूँ, ये मैक की है, 1800 रुपीज़ मैंने पे किया इसके लिए, ये सब कुछ मुझे ऐसे ही नहीं मिला है और किसी को भी नहीं मिलता है। तो आज इस वीडियो से आई होप बहुत लोग को खुशी मिलेगी, इंस्पायर होंगे वो। तो मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ, यूट्यूबर मैं कभी नहीं बनना चाहती थी। मैं जब मेरा शादी होने वाला था, तो मेरी कॉलेज जस्ट कंप्लीट हुई थी जून मंथ में, और उसके बाद मैं यूट्यूब देखना स्टार्ट करती थी। मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी, मैं इतना यूट्यूब नहीं देखती थी, क्योंकि तब मैं पढ़ाई कर रही होती थी और मैं पूरा फोकस उसको देना चाहती थी, पढ़ाई को। मेरे पास टाइम नहीं होता था, मैं सुबह में जाके ट्यूशन्स लेती थी, फिर मैं कॉलेज लेती थी, फिर मैं दोपहर में घर आती थी और फिर मैं ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, फिर मैं खुद के अपने क्लासेस कंप्लीट करती थी। तो मेरे पास टाइम नहीं होता था इन सब चीज़ों के लिए कि मैं सोचूं यूट्यूब क्या होता है क्या नहीं। जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ, तब मैंने यूट्यूब देखना स्टार्ट किया, और तब भी मैं बस अपने लिए देखती थी कि हाँ मुझे क्या फेस वॉश शूट करेगा, मुझे कौन सा टोनर लेना चाहिए, मुझे कौन सा मेकअप किट बनाना चाहिए, क्योंकि मेरी शादी होगी तो मुझे चाहिए होगा ना, ऐसा ऐसा मुझे लगता था।
तो कभी दीदी के घर फंक्शन है या कभी किसी फ्रेंड के पार्टी में जाना है तो उसमें मैं क्या मेकअप करूंगी वो मैं सर्च करती थी। मुझे एक बार में कभी पता नहीं चला मेरा कौन सा फेस वॉश जाएगा। मैंने एक खरीदा, वेस्ट हुआ पैसा, फिर मैंने दूसरा खरीदा, ऐसे करते करते कई मैंने इन्वेस्टमेंट किए, तब जाके मुझे मालूम पड़ा कि कौन सा मेरा प्रोडक्ट सूट करेगा। खैर वो अलग कहानी है। इन द मीन वाइल जब मैं फ्री हो गई, बिल्कुल कुछ नहीं काम था, मैंने अपने घर में कहा कि मुझे कुछ करना है और मैं फैशन डिजाइनिंग करना चाहती हूँ, जो हर लड़की के लाइफ में आई थिंक एक बार होता है। तो मैंने बोला कि अपनी मम्मी को कि मुझे फैशन डिजाइनिंग करना है, और उन्होंने कहा कि आज तक तो सुई घर में उठाया नहीं है, फैशन डिजाइनिंग क्या करोगी तुम, पैसे वेस्ट करोगी और सिर्फ टाइम वेस्ट करोगी, नहीं करना है। आई वॉज लाइक मम्मा प्लीज यार एक बार तो विश्वास करो मुझ पर, मैं करना चाहती हूँ। और मेरे घर में सब शॉक्ड, यार पढ़ाई लिखाई में कुछ करो, एमकॉम करो, हाँ ये मास्टर्स करो, ये सब क्या है, ये तुम क्या कर रही हो। आई वॉज लाइक मम्मा प्लीज यार पढ़ाई मैंने कर लिया, मैं अच्छी थी एक्चुअली पढ़ाई में, इसलिए लोग मुझसे उम्मीद करते थे कि मैं पढ़ाई करूँ। मैंने सच बोलूँ तो मैं क्लास छोटे में लाइक क्लास 2 तक मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, फिर 3-4 सब 3 में सब खराब किया मैंने, फिर 4 में मैंने बहुत अच्छा किया, फिर 5-6 मैंने खराब किया, फिर मैंने 7 अच्छा किया, फिर मैंने 8 खराब किया, फिर मैंने 9 खराब किया, फिर मैंने 10 अच्छा किया, फिर मैंने 11-12 बहुत अच्छा किया। इस तरह से मेरी लाइफ पढ़ाई में रही है। बट जब मैं कॉलेज में गई थी मैंने बहुत मेहनत की पढ़ाई में, बहुत मेहनत की मैंने पढ़ाई में, और मैं लिटरली मैंने कोशिश किया कि अब मैं कॉलेज में हूँ, मैं अच्छे से पढ़ कर कुछ नॉलेज कर लूँ। मुझे कभी भी ये नहीं था कि नंबर्स अच्छे आए, ऐसा कभी नहीं था मेरे साथ, मुझे बस ये था कि मैं जो पढ़ रही हूँ मुझे उसकी नॉलेज होनी चाहिए। मैं रट के नहीं पढ़ना चाहती थी, समझ के पढ़ना चाहती थी। मेरी सिस्टर मुझे पढ़ाती थी छोटी थी, तो वो मुझे कहती थी कि समझना चाहिए, उसका लॉजिक समझो। तो मेरे डैडी वॉज लाइक शॉक, ये क्या कर रही हो, पढ़ाई लिखाई करो तो मैं सपोर्ट करूँगा। आई वॉज लाइक नो आई वॉन्ट टू डू फैशन डिजाइनिंग बस। तो स्टार्ट में तो नहीं दिया सपोर्ट उन्होंने, बट मैं मुझे भी मालूम था कि ठीक है यार आज तक कभी कुछ किया नहीं इसलिए शायद सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो मैंने खुद से खुद का एडमिशन करवा लिया, जाकर पे कर दिया मैंने पैसा, और हफ्ते में 2 दिन क्लास थे। जब वो डेडिकेशन मेरे मम्मी डैडी ने देखा, विद इन 2 वीक्स मैंने एक सूट बना के मैंने कंप्लीट कर दिया, जिसकी पिक्चर मैं लगा दूंगी। वो सूट मैंने खुद बनाया था और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने ना एक्चुअली डिप्लोमा कोर्स किया, फैशन डिजाइनिंग नहीं किया है कि ये ड्रेस मैं डिज़ाइन कर दूंगी ऐसा। मैं उसके भी स्टेजेस होते हैं ना, 1 साल 2 साल 3 साल, तो बेसिक जो सिलाई होती है ना, स्टिचिंग कटिंग, वो वाला फेज मेरा था। तो मैंने वो सूट जो है वो बनाया खुद से। मैं मेरी मम्मी बहुत इंप्रेस हुई कि डैडी ने मेरे लिए 8,000-10,000 का मशीन जो होता है सिलाई मशीन, अच्छा वाला छोटा वाला, वो खरीद दिया मेरे लिए। बहुत अच्छा होता है वो, बहुत अच्छा होता है, बड़े वाले से अच्छा छोटा वाला होता है। तो उन्होंने वो खरीद दिया कि यार लड़की करना चाह रही है तो करने दो, कोई बात नहीं। फिर मैं कटिंग स्टिचिंग का यूट्यूब पे देखती थी, ज़्यादा मेकअप वेकअप नहीं देखती थी। बट हाँ मैं जो भी देखती थी मुझे नॉलेज होता था, क्योंकि मुझे इसका बहुत क्रेज़ रहा है कि मैं जो भी करूँ मैं अच्छे से करूँ। तो फिर मेरी शादी लगने वाली थी और मुझे ब्राइडल किट बनाना था अपना, जब हर लड़की वहीं से शुरू करती है यूट्यूब देखना। तो मैंने ब्राइडल किट के लिए जब सर्च करना स्टार्ट किया तो मेरे पास शाही स्टाइल का रिकमेंडेशन आने लगा। और मैं उस टाइम पे किसको किसको देखती थी मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं शाही स्टाइल देखती थी, श्रेया जैन प्रोडक्ट रिव्यू के लिए देखती थी, फेस वॉश टोनर एंड ऑल, मालविका सितलानी से मैं मेकअप सीखती थी कि मेकअप पर्टिकुलरली एक एक स्टेप क्या होता है, मतलब फाउंडेशन को कैसे लगाते हैं, कंसीलर को कैसे, मतलब एक एक स्टेप वो एक्सप्लेन करती थी। सुपर प्रिंसेस जो करके एक चैनल हुआ करता था, अभी भी वो बहुत वेल ग्रोन चैनल है, उनका मैं वीडियोस देखती थी DIY हेयर ट्रीटमेंट इन सब के लिए। श्रुति अर्जुन आनंद को भी शायद मैंने उस टाइम पे ही देखना स्टार्ट किया था। मैं RJ महक को देखती थी और बहुत क्यूट लगती थी मुझे वो दी, बहुत क्यूट लगती थी, मैं वो देखती थी। और सुपर स्टाइल टिप्स यानी कोमल गुडन दीदी को भी मैं देखती थी। बस इतने ही लोगों को मैं देखती थी, बट शाही स्टाइल की मैं एक भी वीडियो मिस नहीं करती थी। तो उस टाइम मैं इतने लोगों को देखती थी, लेकिन कई लोगों की वीडियो मिस हो जाती थी, बट शाही स्टाइल और RJ महक का मैं कभी वीडियो मिस नहीं करती थी, कभी नहीं, क्योंकि वो लोग बहुत नेचुरली बात करते थे। मुझे ऐसा लगता था दे आर लाइक टॉकिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता था। मैंने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीना मैंने शाही स्टाइल को खूब देखा, खूब मैं पागल हो गई थी शाही स्टाइल। मैंने एकदम दिन भर मैं शाही करती रहती थी। मेरी मम्मी बस क्या कर रही हो तुम दिन भर, तो वो आईलाइनर वीडियो मुझे बहुत अच्छे से याद है, आई ब्रश वीडियो, बहुत सारी वीडियोस बनाती थी वो। तो तब मैंने अपने लाइफ में धीरे धीरे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया कि ठीक है ठीक है। फिर मैं अपने हस्बैंड से, जब मेरे हस्बैंड पूछते थे
शादी की डेट नज़दीक थी एंड ही वॉज लाइक क्या लेने का सोचा है प्राइमर में. ही वॉज लाइक वेरी इंटरेस्टेड इन माई लाइफ एंड अभी भी टच वुड ही इज़ इंटरेस्टेड. एंड वो पूछते थे क्या लेना है प्राइमर के लिए, क्या सोचा है. आई वॉज लाइक लैक्मे का लेंगे. लैक्मे इज़ वेरी गुड ब्रांड, यू नो लैक्मे का प्राइमर ना मैंने देखा है उसमें हल्का सा टेक्स्चर ऐसा है, सिलिकॉन है, ब्लर्स कर देगा पोर्स को और उसमें पिंकिश टेक्स्चर है तो वो थोड़ा सा कलर करेक्ट कर देगा. देन ही इज़ लाइक वाट, इतना डिटेल, इतना बढ़िया कैसे बोल रहे हो. क्योंकि मैं यूट्यूब देखती थी ना तो मुझे याद हो गए थे सारे लाइन्स दिन भर के. तो ही इज़ लाइक यू शुड स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल एंड आई वॉज लाइक नो प्लीज़ मेरे से नहीं होगा. एक तो अच्छा फ़ोन नहीं है, कुछ ही नहीं है मेरे पास, मैं नहीं कर पाऊँगी. मुझे बहुत ऐसा लगता था कि नहीं मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर पाऊँगी. और मेरे हम सबके सराउंड में होता है ना कि आप पढ़ाई में कुछ करो तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे. तो मुझे लगता था फैशन डिज़ाइनिंग में ही सपोर्ट नहीं है, यूट्यूब में क्या सपोर्ट मिलेगा, नहीं 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 मुझे नहीं करना. तो उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने कहा ठीक है इट्स ओके मत करो कोई बात नहीं. तो फिर मेरे को ना यूट्यूब देखने से डर लगता था कि यूट्यूब देखोगे तो मेरे हस्बैंड कहेंगे कि चैनल जो है बना लेते हैं. तो मैंने नहीं, थोड़ा सा ब्रेक लिया और मेरी शादी भी हो गई थी तो मैं आई वॉज लाइक इन्जॉइंग माई लाइफ, माई शादी, मेरा ससुराल. मैं खाना बना बना के खिलाती थी, मुझे खाना बनाना और खाना बहुत पसंद है पर मुझे बनाना भी अच्छा लगता है. तो मैं खूब तरह तरह के यूट्यूब पे डिशेस लिखती थी कॉपी में. आई वॉज लाइक कि हाँ आज मम्मी ये बनाऊंगी एंड ससुर जी को कहती थी आज ये बनेगा तो आप ये सामान लाना. तो मैं इन्जॉय करी थी फुल ऑन. अप्रैल में शादी हुई थी 23 को, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीना मैंने यूट्यूब देखा ही नहीं, मैं सिर्फ इन्जॉय करती थी अपनी लाइफ बहुत अच्छे से. एंड शादी हो गई थी तो किट वगैरह बनी गया था सब कुछ. तो मैं मालविका सितलानी का हमेशा सिग्नेचर मेकअप लुक करती थी, वो बस मस्कारा, काजल, पॉइंट्स बीबी एंड ब्लश. फेस भी खूब पतला, मैं बहुत पतली थी, मैं 53 केजी की थी जब मेरी शादी हुई थी. तो आई वॉज लाइक ज़रूरत ही नहीं थी ज़्यादा कुछ कॉन्टोर वॉन्टोर करने की, तो मेरा किट था एंड बस वो बन गया. उसके बाद मैं कितनी खुश होती थी. फिर जब मैं अपने मायके आई अगस्त के मंथ पे 5 महीने बाद, तो मैं बोर होने लग गई. आई वॉज लाइक क्या करूँ अभी, क्या करूँ. फैशन डिज़ाइनिंग मैंने शादी के टाइम पे ड्रॉप कर दिया था, 9 मंथ्स का डिप्लोमा करके छोड़ दिया था मैंने. मतलब आज की डेट में अगर आप मुझे कहोगे कि एक नॉर्मल सूट बना दो, आप यू बना दो, वी बना दो, जो भी बना दो, मैं बना दूंगी, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ब्लाउज भी आ जाएगा मुझे, लहंगा भी आता है मुझे, तो ये सारी चीज़ें मैं करने लगी थी. तो फैशन डिज़ाइनिंग का भूत तो उतर गया था क्योंकि बहुत मेहनत लगती थी उसमें और पूरा मेरा आईज़ जो है ना वो पेन करने लग गया था, पानी निकलने लग गया था क्योंकि इतना फोकस का काम होता है. तो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग ड्रॉप कर दिया था आफ्टर डॉक्टर के कहने पर. और इतना इंटरेस्ट भी नहीं आया मुझे, पता नहीं क्यों, मतलब पता नहीं क्यों नहीं आया. तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे मेकअप में बड़ा आ गया था शादी के बाद, मतलब ऐसे डेली रेडी होना होता था ना, लिपस्टिक ये वो, तो बड़ा मज़ा आता था मुझे. तो मेरे मैं बोर हो रही थी शादी के बाद, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि यार बोर हो रही हो, स्टार्ट कर ले यूट्यूब चैनल, अभी भी सोच लो. तो मैं क्या सोचती थी, मेरा चेहरा पता नहीं कोई देखना चाहेगा कि नहीं, मैं शाही स्टाइल की तरह तो नहीं हूँ, पता नहीं कोई मुझे देखना चाहेगा या नहीं. तो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो करने लगी, यानी फ़ोन के ऊपर कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लेती थी यूट्यूब से, सॉरी गूगल से, और उस पर स्वाइप कर करके मैं माइक से रिकॉर्ड करती थी कि हाँ आप ये लगाओ, ये अच्छा होता है, वो अच्छा होता है, ऐसे करके. मेरी कुछ पुरानी वीडियोज़ ऐसी ही हैं. मेरे हस्बैंड के कहने पर स्टार्ट किया हमने, आई थिंक 3rd of September या 5th of September पे हमने स्टार्ट किया था. जैसे ही मैंने फर्स्ट वीडियो रूप मंत्रा कुकुम्बर फेस वॉश की डाली, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का सपोर्ट आया एंड दे वर लाइक ये परफेक्ट तुम काम कर रही हो और ये तुम बहुत अच्छा करोगी बिकॉज तुम इसमें बेस्ट हो. तो मेरी एक बगल वाली थी स्कूल में अश्वनी, और उसने मुझे मैसेज करके बोला कि यार तुम ये काम पहले क्यों नहीं की, तुम हम तो खुद स्कूल में याद है हम डिस्कस करते थे कि मुझे कौन सा फेस वॉश जाएगा, मेरी स्किन ये है, मेरा मॉइस्चराइजर, मेरा लिप ग्लॉस, तो तुम ही तो मुझे हमेशा सजेस्ट करती थी, तो तुम क्यों नहीं ये काम को सीरियसली, पहले तुम इसको अच्छे से करना. तो वो मुझे मोटिवेशन दिया कि यार मतलब लोगों की नज़र में मेरी इमेज ये है और मैं लिटरली मैं हूँ इन्फ्लुएंसर. मुझे बाद में पता चला, मुझे रियलाइज़ ही नहीं था. तो अश्विनी ने पूछा किसने बताया, तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड ने मुझे सजेस्ट किया. शी वॉज लाइक यू आर वेरी लकी, गो फॉर इट, बस करो मन से. पर मैं मन से नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए कि मुझे कोई दोस्त मिल जाएगा, मुझे कोई यू नो मुझसे चार लोग कमेंट में बात कर लेंगे, थोड़ा बहुत कॉमन इंटरेस्ट हो जाएगा कि मुझे जो फेस वॉश अच्छा लगता है वो उनको भी अच्छा लगता है, वो कमेंट आएगा मैं रिप्लाई करूँगी, लाइक दैट. बहुत लाइक मैं बस इंजॉय करने के लिए कि हाँ खाना वाना बना के जो फ्री होंगी तो थोड़ा सा
क्योंकि मैं दोपहर में नहीं सोती हूँ, अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हो तो मैं दोपहर में नहीं सोती, मुझे पसंद नहीं है, तो मैं दोपहर में टाइम पास करने के लिए ये करने लग गई। और ऐसे करते करते लाइक मैंने सेप्टेम्बर में चैनल खोला, सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसंबर जनवरी फरवरी जनवरी तक 5-6 महीने तक तो चल रहा था। फिर मैं नवंबर में ही गोवा आ गए, मेरे हस्बैंड गोवा आ गए, रियल स्टेट में आके सेट हो गए, वो उनकी अलग कहानी है, अलग स्ट्रगल है। तो जब वो मुझे लेकर आ गए, मैं अपने मायके आई और मेरे हस्बैंड गोवा निकल गए थे। 2-3 महीना वो गोवा में स्ट्रगल किए, जब उन्हें लगा कि यस अब मैं एस्टैब्लिश हो गया और मैं अब सोनाली को ला सकता हूँ। एस्टैब्लिश क्या, घर वर नहीं था हमारा, बस एक रेंट पे हमने घर ले लिया था और घर में रूम में कुछ नहीं था। और ही वॉज लाइक कि तुम अब आ जाओ, तो मैं आ गई और बेड भी नहीं था, टीवी भी नहीं था, फ्रिज नहीं था, वॉशिंग मशीन नहीं था, कुछ नहीं था, खोखला घर था। और हम दोनों बहुत खुश रहते थे, बहुत खुश, जैसे आज है ना सेटिस्फाइड बिग वाली स्माइल, उस वक्त भी वैसी ही हम दोनों एकदम एक दूसरे के साथ हंसते थे। हमारे पास कुछ ही नहीं था बट हम खुश थे, मतलब क्योंकि आई थिंक हम बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, प्यार करते हैं एक दूसरे से इसलिए। तो जब मैं आई और मेरे हस्बैंड वॉज लाइक अब तुम्हें फेस रिकॉर्ड वीडियो करनी होगी, कैमरा के सामने बैठो और वीडियो बनाओ। आई वॉज लाइक यार नहीं होगा मुझसे, मैं नहीं कर पाऊंगी, घर भी ठीक नहीं है, क्या होगा, मैं बहुत पैनिक हो गई। एनी वॉज लाइक काम डाउन, सब हो जाएगा, खाना तुम सिर्फ सुबह में बनाना और दोपहर में जब मैं काम पे चला जाऊंगा तो तुम वीडियो बनाना और शाम को उसे एडिट करना, फिर मैं आ जाऊंगा, फिर हम खाना खाएंगे, फिर हम सो जाएंगे, लाइक दैट। तो मैंने बोला पर मैं शूट किससे करूंगी, आप हंसना मत, मैं लैपटॉप से शूट करती थी, सचमुच भगवान कसम, भगवान कसम, मैं लैपटॉप से शूट करती थी वीडियो, उसमें हेडफोन का वायर लगा के कॉलर पे ऐसे लगा के मैं माइक रिकॉर्ड करती थी आवाज़। और पूरा घर क्योंकि खाली था तो पूरा घर साफ था और वाइट वॉल्स थे तो मैं उसमें शूट करती थी। फिर धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि धीरे धीरे समझ में आने लगा कि लाइट इफेक्ट होती है, तो नेचुरल लाइट आप यूज़ कर सकते हो, तो नेचुरल लाइट मैं यूज़ करती थी, विंडो के सामने बैठती थी। फिर किसी ने कहा कि आप अपने इम्प्रूव करो, कभी कभी आप अपना बैकग्राउंड के ऊपर ध्यान दो कि अच्छा होना चाहिए, तो एकदम क्लीन वॉल पे बैठने लग गई। फिर लैपटॉप से काम नहीं बन रहा था तो फ़ोन मैंने धीरे धीरे लाइक जनवरी में स्टार्ट किया था, जून में मैंने फिर फ़ोन परचेस किया, अच्छा वाला रेडमी का नोट 5 प्रो, और उससे शूट करने लगी, क्वालिटी इम्प्रूव हो गई, माइक भी उसमें बहुत अच्छा था। तो कभी कभी होता था ना, बगल में घर बनता था तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती थी टक 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 दिन भर, तो मैं ना वॉइस रिकॉर्ड वीडियो करने लग गई, यानी कि इस एप्लीकेशन ऐसे ऐसे कर रही हूँ और पीछे से आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ ऐसा। तो धीरे धीरे सब सही था, सही था। ऐसे करते करते जब मैंने फेस रिकॉर्ड वीडियो जनवरी में बनाई तो मैंने देखा वो वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो मैं ना बहुत डीमोटिवेट हो गई। तो मैंने सुना था कि यूट्यूब पे लोग शाउट आउट करते हैं, यानी कि जैसे आप लोग मुझे कोई कोई कहता है दीदी मुझे शाउट आउट कर दो, मेरे चैनल को आगे बढ़वाने में मदद कर दो, तो आप लोग को लगता है कि दीदी एक बार मदद कर देंगी तो मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर मिल जाएगा। मैं भी ऐसा ही सोचती थी। तो मैंने बहुत यूट्यूबर्स को मैसेज किया इंस्टाग्राम पे कि मुझे सपोर्ट चाहिए। उसमें से मुझे एक फ़ैन पेज को मैंने गलती से मैसेज कर दिया था, समझ के कि कोमल दीदी का ये प्रोफाइल है। तो मैंने जब मैसेज किया तो मुझे वहाँ से एक दोस्त मिली जिसका नाम है काकुल, वो मुझे मिली और मुझे नहीं पता था, उसने मुझे रिप्लाई किया कि दीदी आई एम नॉट कोमल गुडन, मैं काकुल श्रीवास्तव हूँ। तो वहाँ से मुझे मिली काकुल और उसने मुझे मैसेज किया कि दीदी मैं कोमल दी नहीं हूँ, मैं हूँ काकुल श्रीवास्तव, मैं उनका फैन पेज रन कर रही हूँ। तो मैंने उससे पूछा ये क्या होता है, तो शी इज़ लाइक अरे आपको नहीं पता। मैंने बोला यार मतलब यूट्यूबर्स की इतनी वैल्यू होती है यूट्यूबर्स की कि उनका कोई फ़ैन पेज रन करता है, मैंने तो बस हीरो हीरोइन का सुना था, एक्टर एक्ट्रेसेस का मतलब सुना था मैंने। तो शी सेड यस दीदी ऐसा होता है, जब आपके बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो ऐसा होगा। तो जब ये बात उसने मुझे बताई तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई और मुझे ऐसा लगा कि यार सच में ऐसा होता है। तो उसने मुझे बोला कि दी आप इतनी जेन्युइन हो, आप इतनी प्योर हो, आप इतनी सिंपल हो, मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ आपके यूट्यूब चैनल के लिए, और जस्ट गिव मी योर चैनल लिंक, मैं देखती हूँ। तो मैंने भेजा तो शी इज़ लाइक आप फेस रिकॉर्ड वीडियो करो, आप स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो प्लीज़ बंद कर दो, आपका चैनल खराब दिख रहा है। तो मुझे टेंशन हो गई यार, मैंने तो सीरियस लिया ही नहीं था। तो उसने मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी डाली कि दीदी आपका फेस अच्छा है, आपकी बोलने का स्टाइल अच्छा है,
आप थोड़ा सा मेहनत करो, आप देखो आप ज़रूर एक दिन काबिल बनोगे। तो जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था तो उस समय क्राइटेरिया YouTube पे आ गया था कि 1000 सब्सक्राइबर और कुछ घंटे पूरे होने के बाद आपको पैसा मिलना, पैसा बनना आपका शुरू होगा। तो मैंने बोला यार अभी तक तो YouTube में ऐसा कुछ था नहीं, लोग इसीलिए YouTube में आते थे कि पैसा तुरंत बनने लगता है, बट अब देखो ये सब नाटक हो रहा है, मुझे नहीं करना ऐसा ऐसा, मेरे को स्टार्टिंग में ही हो गया था। बट मेरे हस्बैंड वाज लाइक होगा, तुम अच्छा बोलते हो, एक दिन तुम्हें लोग ज़रूर पसंद करेंगे। तो काकुल ने कहा कि दीदी आप किस टाइप की वीडियो बनाओ, चलो हम डिस्कस करते हैं। तो उस दिन नंबर वगैरह एक्सचेंज हुआ हमारा और यूट्यूब से मुझे काकुल जैसी फ्रेंड मिली, जो कि बदले में कुछ नहीं मांगा, कभी उसने कुछ भी नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा। उसने कहा कि दीदी आज आप कुछ नहीं अर्न कर रही हो, कल को जब आप अर्न कर भी लोगे ना तब भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे आप जैसी दीदी मिली, आप जैसी फ्रेंड मिली। वो मुझे दीदी दीदी करती है बट मैं उसको सच में फ्रेंड मानती हूँ, सच में। और फिर उसने मुझे बताया कि दीदी थोड़ा सा DIY करो आप, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनो। तो मैंने कहा यार ये मुझसे नहीं होगा, मैं प्रेजेंटेबल नहीं हूँ, मैं बहुत क्लम्जी हूँ इन सब मामले में, मैं नहीं कर पाऊँगी। उसने कहा ठीक है आप मेकअप पे फोकस करो। फिर उसने मुझे कप्स एंड लैशेस के बारे में बताया कि एक स्टोर होता है, वहाँ से वेबसाइट है, वहाँ से आपको परचेस करना है ऐसा ऐसा ऐसा, और उसका रिव्यू करो, हॉल करो। तो मैंने अपने बर्थडे पे यानी एक महीने बाद ही मैंने नायका से परचेस किया। नायका से मैं शादी के पहले भी करती थी, जब मैं यूट्यूब में नहीं थी तब भी। तो मैंने हॉल मतलब उसने मुझे बताया हॉल होता है, हॉल को दिखाना पड़ता है ऐसे ऐसे। तो मैंने वो जो जो वो हम डिस्कस करते थे वो मैं करने लग गई और अच्छा हेल्प हो रहा था मेरा। फिर धीरे 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 मैं जून में प्रेग्नेंट हुई, और जब मैं जून में प्रेग्नेंट हुई, जून के पहले की बात अगर हम करें, तो मैंने स्ट्रगल में फ़ोन था, ट्राईपॉड लिया, फिर मैंने अपना फर्स्ट ट्राईपॉड लिया सिम्पेक्स का, बहुत सस्ता था, 700-800 का था आई थिंक, वो मैंने लिया। यू काकुल के आने के बाद ही इन्वेस्ट किया था मैंने, फ़ोन तो था ही, लाइट वगैरह कुछ नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए सॉफ्ट बॉक्स बनाया, सॉफ्ट बॉक्स जो ऐसे आप देखोगे स्क्वायर का एक या फिर छतरी टाइप का रहता है ना स्टूडियो में, वैसा मेरे हस्बैंड ने अपने हाथों से कार्टून से बनाया। कहने को तो कहेंगे लोग कि कितना रुपया का है, 25 रुपये का कार्टून है और 200 रुपये का बल्ब, पर मेहनत कितनी लगी वो तो किसी ने नहीं देखा। इतना मुझे खुशी हुआ था वो देखकर, मुझे ऐसा लगा था कि क्या मैं डिज़र्व करती हूँ इसको, जो मेरे हस्बैंड मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। मेरे अंदर तब इच्छा जागी कि मैं पता नहीं कितने सब्सक्राइबर्स गेन करूँगी, कितने लाइक मिलेंगे नहीं मालूम, पर इस इंसान के लिए मुझे मेहनत करनी है, जो मुझ पे विश्वास कर रहा है, जो मुझे शायद मुझ में वो देख रहा है जो मैं खुद के अंदर देख नहीं पा रही हूँ। तो मैंने खुद को खुद की नज़र से देखना बंद किया और मैंने अपने हस्बैंड की नज़र से खुद को देखना स्टार्ट किया। और मैंने उनसे कुछ नहीं कहा कि मुझे ये दिलाओ, मुझे वो दिलाओ, ये होना चाहिए, ये ब्रशेज होने चाहिए, ये फाउंडेशन होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना, मैं सिर्फ जो था मेरे पास काफ़ी कुछ था। काकुल ने कहा कि क्या क्या है आप दिखाओ, तो मैंने सब उसे फोटो में भेजा। शी वॉज लाइक यू हैव अ ग्रेट कलेक्शन, आप ज़रूर शेयर करो और आप सबका रिव्यू शेयर करो, यूजर्स शेयर करो, बहुत सारी वीडियो बनाओ। तो मैंने स्टार्ट किया करना और ऐसी वीडियो बनाती गई कि मैं क्या बोलूँ। फिर एक दिन काकुल ने, जब मेरा चैनल थोड़ा सा ठीक ठाक दिखने लगा, 6 मंथ हो गया था तब, उसने नहीं 6 मंथ नहीं 1 महीने में ही मेरी वीडियो थोड़ी अच्छी बनने लग गई थी, तो उसने फिर बोला कि मैं कोमल दी से कहती हूँ, यानी कोमल गुदन से कहती हूँ कि आपको सपोर्ट कर दे, शाउट आउट कर दे। तो मैंने बोला वो नहीं करेंगी, तो शी वॉज लाइक नहीं वो बहुत अच्छी हैं, वो ज़रूर करेंगी, और उनको आपसे आप जैसे बहुत लोग मैसेज करते हैं इसलिए वो आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाई होंगी। दीदी ने मुझे सामने से मैसेज किया काकुल के बोलने के बाद कि सुनाली मैंने तुम्हारा चैनल देखा, तुम्हारा चैनल बहुत अच्छा है, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। उस वक्त मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हिट हुए थे बस। आई वॉज लाइक दीदी आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच इतना बड़ी बात बोलने के लिए, मुझे मालूम है भी नहीं तब भी आप बोल रहे हो। तो शी इज़ लाइक नहीं नहीं तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम शुरू है यार, स्टार्ट में तो किसी के भी नहीं होते, एक दिन होगा ज़रूर, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। और फिर आई वॉज लाइक मैं लिटरली बताने, मेरे हस्बैंड इतने खुश। दीदी ने बोला मैं तुम्हारी जो बेस्ट वीडियो है ना वो मुझे दो, मैं उसे शाउट आउट करती हूँ। पर उन्होंने बताया कि इसका कोई बेनिफिट तुम्हें नहीं मिलेगा, लोगों को बस लगता है कि शाउट आउट का हेल्प मिल जाएगा। उस समय यूट्यूब पे स्ट्राइक वगैरह बहुत आते थे, तो दीदी ने कहा था कि बचा लेना यार, स्ट्राइक ना हो। मैंने कहा नहीं 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 मैं नहीं करूँगी स्ट्राइक। दीदी ने मेरी वीडियो शेयर की और सच में
मुझे कोई फायदा, बस व्यूज में हुआ, मुझे सब्सक्राइबर्स का कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ सब्सक्राइबर्स का. तो वहाँ से मुझे एक दो लोग मिले थे, शायद अभी तक वो मुझसे इसी वजह से जुड़े हैं, और वहाँ से वो मेरे पास काफ़ी लोग आए थे, बहुत कम आए थे पर आए थे, मैं बहुत खुश थी. तो उसके बाद काकुल ने मेरी डेडिकेशन देखा और उसने मेरी इतनी मदद की है, मैं आपको क्या बताऊँ. जो 4000 घंटे होते हैं ना शायद पूरा करना होता है,